व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी कंफ्यूजन भी रहता है कई बार आप लोगों के माइंड में कि क्या होता है ऑर्डिनरी बिल और क्या होता है मनी बिल। पर ये लेक्चर देखने के बाद में कभी भी एग्जाम हॉल में आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट नहीं आएगा इन दोनों टर्म से रिलेटेड, और आप इजिली क्वेश्चन करके ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। पहले आगे चलने से पहले आप लोगों को एक बार मैं बता देता हूं, जो कि पहले भी मैं बता चुका हूं लेक्चर में, कि बिल कौन कौन से हमारी कंट्री में होते हैं अगर नॉर्मली देखा जाए तो, हमारी पार्लियामेंट में जो प्रस्तुत किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो दो तरीके से डिवाइड किया गया है इनको, पब्लिक बिल और दूसरा प्राइवेट बिल। तो पब्लिक बिल कौन होता है, जो मिनिस्टर प्रस्तुत करता है, और जो प्राइवेट बिल होता है उसको मिनिस्टर के अलावा और कोई प्रस्तुत करता है, भले ही वो गवर्नमेंट का भी मेंबर हो, पार्लियामेंट हो सकता है, जिसपे जिसके पास में कोई मिनिस्ट्री नहीं है, ठीक है, तो उसको भी हम प्राइवेट मेंबर ही बिल बोलेंगे। याद रखिएगा, ओनली अगर मिनिस्टर प्रस्तुत कर रहा है तो ही उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट बिल या फिर पब्लिक बिल। अगर मिनिस्टर के अलावा कोई दूसरा मेंबर हो पार्लियामेंट, भले ही वो गवर्नमेंट का मेंबर क्यों ना हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम प्राइवेट बिल। पहले तो ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है। ये चार कैटेगरी और क्लासिफाइड किया गया है यहाँ पर। चार कैटेगरी कौन सी है, ऑर्डिनरी बिल हो गया, मनी बिल हो गया, फाइनेंशियल बिल हो गया, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो गया। तो इन दोनों में आज क्या कन्फ्यूजन है ये आप लोगों का दूर कर दूंगा मैं कंप्लीटली, किस तरीके से दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं, क्या क्या दोनों की पावर है राज्यसभा और लोकसभा की, ये सारे कन्फ्यूजन अब आप लोगों के दूर होने जा रहे हैं। तो चारों बिलों के भी नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें आप लोगों को काफी सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल वर्सेज मनी बिल, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला अगर आप लोग डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर, ये क्या बात बोली गई यहाँ पे, कि ये जो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कोई से भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हमारी पार्लियामेंट होती है, संसद जिसको बोलते हैं, उसमें दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो कोई से भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पर मनी बिल से रिलेटेड क्या मैटर रहता है, इसको ओनली, ये वर्ड ओनली जहां पर आ जाता है वहीं पर रुक जाइए और थोड़ा सोचिए कि क्या ये सही है या गलत है। तो जहां पर ओनली वर्ड आ जाता है उससे रिलेटेड कई बार आप लोग क्वेश्चन भी गलत कर बैठते हैं। ओनली हो गया, नोट हो गया, अगर किसी क्वेश्चन में आ जाता है आप लोग ढंग से नहीं पढ़ते, थोड़ा रुक के क्वेश्चन को पढ़िए तभी आगे बढ़िए। अगर बात आ जाती है यहां पर ओनली की बात आ जाती है, तो यहां पर बात आती है ओनली राज्यसभा में, ठीक है, उसमें सॉरी लोकसभा में, राज्यसभा में इसको प्रस्तुत नहीं किया जाता। लोकसभा में ही क्यों किया जाता है, क्योंकि यहीं पर हमारे द्वारा चुने गए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सांसद होते हैं, वो डायरेक्टली हमारे द्वारा चुने जाते हैं जो वहां पर जाते हैं। तो इसीलिए सारी पावर मनी बिल से रिलेटेड इन्हीं के पास दे रखी है, क्योंकि हमारा जो टैक्स का जितना भी पैसा होता है वो अगर हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे ही उसको डायरेक्ट टैकल करके चलते हैं तो ज्यादा फायदेमंद रहता है, ठीक है। तो ज्यादा पावर दे रखी है यहां पर लोकसभा को। इसके अलावा अगर देखा जाए ऑर्डिनरी बिल जो है, यहां पर कोई भी इसको प्रस्तुत कर सकता है नॉर्मली, मतलब मिनिस्टर भी प्रस्तुत कर सकता है और प्राइवेट मेंबर बिल भी ये हो सकता है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में बताया। जिन्होंने नहीं देखा नीचे लिस्ट दे दूंगा सारी, आप लोग देख सकते हैं उसको नीचे कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। इसके अलावा जो इसको बात करते हैं, फिर यहां पर ओनली वर्ड आ गया, ओनली मिनिस्टर प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है ना। जो मनी बिल होता है यहां पर ओनली मिनिस्टर प्रस्तुत करेगा। बात करूं तो यहां पर नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर, ओके, तो मनी से रिलेटेड अगर मैटर आएगा तो फाइनेंस मिनिस्टर की यहां पर बात की जाएगी, ओके। और देखिए मैक्सिमम क्या करती है गवर्नमेंट भी, यहां पर थोड़ा सा फायदा उठाने के लिए कई सारे बिल ऐसे होते हैं जिसे मनी बिल बनाने की कोशिश करती है, जिससे कि राज्यसभा में ले जाके चकचक ना करनी पड़े और आराम से बिल पास हो जाए, ज्यादा टेढ़ी उंगली ना करनी पड़े। तो इसीलिए क्या करते हैं, देखिए ये क्या करते हैं, मनी बिल बनाने की कोशिश करते हैं। और आधार जो जो आधार बिल था उसको भी मनी बिल बनाया गया था, जिसका काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था उस टाइम पर, ठीक है। तो ये भी कुछ बातें आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो यहां पर बात की जाती है, यहां पर इसको यहां पर इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी भी हाउस में रिकमेंडेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बिना रिकमेंडेशन के प्रेसिडेंट की। पर लेकिन यहां पर पहले से ही रिकमेंडेशन ली जाती है, रिकमेंडेशन पर ही, ओनली रिकमेंडेशन पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, ओके। तो ये कुछ बातें हैं यहां पर। तो इसके अलावा क्या हो गया, ऑर्डिनरी बिल जो होता है ये अमेंड किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा, क्योंकि हम लोगों ने देखा किसी भी हाउस में इसको प्रेजेंट किया जा सकता है, तो कोई भी हाउस इसको अमेंड कर सकता है। अगर लोकसभा से राज्यसभा में जा रहा है या फिर राज्यसभा से लोकसभा में आ रहा है, तो जिस भी हाउस में जाएगा कोई सा भी हाउस को अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है, इसके अंदर कोई भी तब्दीली अगर लाना चाहे तो इसमें चेंज कर सकता है, ठीक है। तो दोनों के हाथ में पावर होती है। पर इस तरीके की कंडीशन यहां पर मनी बिल के लिए नहीं दे रखी है। क्यों नहीं दे रखे हैं मनी बिल के लिए, अगर मनी बिल के लिए इस तरह की कंडीशन देंगी तो बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं कि फंसे ही रह जाएंगे। क्योंकि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए, कंट्री चलाने के लिए मनी की जरूरत होती है। अगर इस तरीके से राज्यसभा को पावर देंगे फिर वहां पर डिस्कशन होकर आएगा तो बस फिर तो हो चुकी दुनियादारी। और ऊपर से जो वहां पर
चुनकर भेजे गए हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी डायरेक्ट चुनकर नहीं भेजे गए हैं। तो इसलिए सारी पावर दे रखी है यहाँ पर किसको, लोकसभा को पावर दे रखी है। राज्यसभा में वो पहुंचेगा बिल और कुछ टाइम के लिए बस वहां पर उसको देख सकते हैं, वो रिकमेंड कर सकते हैं रिकमेंडेशन पर, लेकिन ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है रिकमेंडेशन या फिर रिजेक्ट करता है। तो ये कंप्लीटली लोकसभा के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या बातें उन्होंने बोली है वो एक्सेप्ट करनी है या एक्सेप्ट नहीं करनी है, तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। इसके द्वारा अगर बात की जाए ऑर्डिनरी बिल की, अगर ये राज्यसभा में जा रहा है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी हाउस में, और फिर अगर दूसरे हाउस में जा रहा है तो मैक्सिमम पीरियड क्या होता है यहाँ पर, 6 महीने के लिए इसको 6 महीने का टाइम यहाँ पर दे रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये 6 महीने का याद रखिएगा, जो यहाँ पर 6 महीने का ये टाइम है यहाँ पर जो मैक्सिमम टाइम राज्यसभा के लिए दे रखा है कि वो डिटेन कर सकता है, यहाँ पे ओनली 14 दिनों का है। 14 दिनों के बाद में अगर मनी बिल राज्यसभा पास नहीं कर रहा है या चेंज नहीं कर रहा है, सेंड नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि वो पास कर दिया गया है। इससे फालतू कुछ भी पावर नहीं है राज्यसभा की इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये प्रोविजन है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इनको याद रखिएगा। एक ये वाला स्पीकर वाला प्रोविजन तो बहुत बार क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये देखिए, अगर कोई बिल मनी बिल है या नहीं है ये डिसाइड कौन करेगा, ये यहां पर डिसाइड करेगा स्पीकर, ठीक है ना। जब उसको राज्यसभा में भेजने की बात आती है लोकसभा से, तो स्पीकर डिसाइड करता है वो सारी बातें भेजने से पहले कि ये मनी बिल है क्या है और कैसे उसको ट्रांसमिट करना है। पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अगर लोकसभा में ओरिजिनेट होता है तो फिर दूसरे हाउस में, और दूसरे में होता है तो दूसरे हाउस में, तो इस तरीके से रहता है। यहां पर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, मतलब स्पेसिफिक प्रोविजन यहां पर ओनली मनी बिल से रिलेटेड ये बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट जो है काफी इंटरेस्टिंग है यहां पर। अगर डेडलॉक बन जाता है दोनों हाउस में, अगर एक हाउस से दूसरे हाउस में भेजा गया है और कोई डेडलॉक बन गया है, मतलब कुछ भी ऐसी कंडीशन बन गई है कि बिल पास नहीं हो पा रहा है, तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है ऑर्डिनरी में। ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, लास्ट लेक्चर मैंने इसी से रिलेटेड लिया था, कंप्लीट लेक्चर आप लोग देखिएगा, नीचे लिंक मिल जाएंगे आपको सारे लेक्चर हो गए। मनी बिल से रिलेटेड कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है मनी बिल में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर एक पॉइंट पे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है पास्ट में, तो एक एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए इन पॉइंट से रिलेटेड। मनी बिल में कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, ज्वाइंट सिटिंग ऑर्डिनरी बिल में होती है, मनी बिल में नहीं होती है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, माइंड में बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखना है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर ये वाला बिल ऑर्डिनरी बिल पास नहीं होता है तो यहां पर बात की गई है कि मे लीड टू द रेजिग्नेशन, मे आ सकता है यहां पे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इफ इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर तब तो कंफर्म है, तब तो हो ही जाएगा, पर लेकिन अगर दूसरे मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, प्राइवेट मेंबर के द्वारा, तो तब ये हो जाता है कि नहीं पास करवाना भैया हमें उनसे, ठीक है, तो वो एक केस हो सकता है। पर लेकिन अगर यहां पर मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है और वो बिल पास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, सीधा सीधा ये हो गया यार यहां पर गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है, फालतू में गवर्नमेंट लिए बैठे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि अब इनकी मेजोरिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट मतलब एक तरीके से गिराने का चक्कर यहां पर आ सकता है। पर लेकिन हम लोगों ने अभी ऊपर देखा जो मनी बिल होता है वो हमेशा मिनिस्टर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो मिनिस्टर उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है यहां पर, और अगर ये बिल यहां पर पास नहीं होता है तो सीधी सीधी बात क्या हो गई कि भैया गवर्नमेंट की कहानी खराब हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट डिफीट हो गई इसका मतलब, अगर यहां पर मनी बिल यहां पर पास नहीं होता है तो। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसमें आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, नो के नो, कि हर एक से रिलेटेड पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी में, बैंकिंग में, एसएससी में, कहीं ना कहीं हर एक से पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और अगर बात की जाए तो कहीं पर पॉइंट भी बनकर ये आ चुके हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में भी, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अब प्रेसिडेंट की पावर दे रखी है यहां पर, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इसको रिजेक्ट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, अप्रूव भी कर सकता है, और रिटर्न भी कर सकता है, फिर से रिकंसिडर करने के लिए कि भाई साहब आप लोगों ने इसमें ये सारी बातें रखी हैं कुछ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, इनको चेंज करो और तब मेरे पास इसको भेजना, तब मैं सोचूंगा कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर इसके साथ में जो प्रेसिडेंट की ये पावर है, पर लेकिन जो यहां पर है, यहां पर रिजेक्ट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, पर रिटर्न नहीं कर सकता है यहां पर, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये रिटर्न नहीं करेगा, इसको रिजेक्ट कर सकता है और अप्रूव कर सकता है, लेकिन रिटर्न नहीं करेगा कि फिर से देख लो इसको, क्योंकि मनी बिल में अगर इस तरीके की कंडीशन होने लगी तो मनी बिल से रिलेटेड मैटर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी और मैटर काफी लंबे समय तक पेंडिंग पड़े रहेंगे, जबकि मनी से रिलेटेड अगर कोई मैटर होता है
वो बात होती है कि जल्दी से जल्दी उसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए। वैसे हमारी कंट्री में आप लोग देख सकते हैं, अगर कोई बिल पास होने के बाद में इंप्लीमेंट हो जाता है, एक्ट बनता है, तभी उसके प्रोविजन पड़े रहते हैं, उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। अगर मनी बिल पे भी इस तरीके का मैटर लेके चलेंगे, और ये सबसे बड़ी बात होती है कि 1 साल के अंदर चीजें आती हैं यहाँ पर, ठीक है, फिर नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी तरीके से भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो सीधा सीधा फंडा क्या है, सीधा सीधा फंडा ये देखने को मिलता है किसी भी तरीके से जल्दी मनी बिल को पास कराया जाए, क्योंकि सारे मैटर उसी से रिलेटेड रहते हैं। सारी मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, कोई सी मिनिस्ट्री हो, मनी की जरूरत होती है। तो अगर मनी बिल ही पेंडिंग में पड़ रहा है तो सारे सिस्टम, सारे मैटर पेंडिंग में पड़े रहेंगे। तो ये था कुछ क्लियरिफिकेशन आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों के माइंड में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अब आप लोगों के माइंड में सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने आसपास सफाई रखिए और पानी और पेड़ों को सेव कीजिए जितना हो सके, और चीज़ों को शेयर कर दिया कीजिए अगर पसंद आती है तो, नहीं पसंद आती है तो बिल्कुल भी शेयर नहीं किया करते, अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।